हेलो फ्रेंड्स, जमशेद जोन में आपका स्वागत है। मैं हूँ ज़ेबा। दोस्तों, आज मैं कच्चे आम की चटनी बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए 5 कच्चे आम, जिसे मैंने छीलकर टुकड़ों में कट कर लिया है, फिर इसे अच्छे से धो लिया है, 6 सूखी लाल मिर्च। सूखी लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। 10 लहसुन की कलियां, नमक स्वाद अनुसार, 1 टीस्पून मस्टर्ड ऑयल, 1/2 टीस्पून अजवाइन। लहसुन और सूखी लाल मिर्च को पीस लेना है। इसमें 1 टीस्पून पानी डाल देना है। मैंने लहसुन और सूखी लाल मिर्च को दरदरा टाइप में पीस लिया है। अब इसमें आम के कैरी को डाल देना है। फिर इसमें 2 टीस्पून पानी डाल देना है। अब इसे पीस लेना है। आम को भी ज़्यादा बारीक नहीं करना है, दरदरा टाइप में पीसना है। मैंने चटनी को एक बोल में निकाल लिया है। अब इसमें नमक डाल देना है, अजवाइन, मस्टर्ड ऑयल, अब इन सभी आइटम्स को अच्छे से मिक्स कर देना है। मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब कच्चे आम की चटनी बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है। अगर आपको यह चटनी ज़्यादा दिन रखकर खानी है, तो आप इसमें मस्टर्ड ऑयल को थोड़ा सा ज़्यादा डालें, फिर धूप में 2 से 3 दिन तक इसे सुखा लें, ताकि इसका पानी जो है सूख जाए।